जब भी हम कंप्यूटर यूज कर रहे होते हैं, चाहे हम उसमें स्ट्रीम कर रहे हो या फिर अपना कोई और काम कर रहे होते हैं, तब हमें लगता है कि हमें एक सेकेंडरी डिस्प्ले की जरूरत है ताकि हम इस काम को आसान कर सकें। अगर आप स्ट्रीम कर रहे हो तो आपको दूसरी डिस्प्ले चाहिए जिसमें आप उस स्ट्रीम को मैनेज कर सकें, या फिर अगर फोटो एडिट कर रहे हैं या वीडियो एडिट कर रहे हैं तो आपको उसके लिए करंट डिस्प्ले चाहिए ताकि जिसमें आप व्यू देख सकें और दूसरी डिस्प्ले में आप उस वीडियो को एडिट कर सकें। ऐसे में हम सोचते हैं कि क्या हम अपने एंड्रॉइड फ़ोन को एज ए सेकेंडरी डिस्प्ले एक्सटेंड करने के लिए अपने प्राइमरी डिस्प्ले को एंड्रॉइड को काम में ले सकते हैं, या फिर आपके पास iOS है तो क्या हम उसे सेकेंडरी डिस्प्ले की तरह काम में ले सकते हैं। तो ये वीडियो देखते रहिए, आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है निशांत चौधरी, आप देख रहे हैं निशांत भारत। लेट्स स्टार्ट। कई बार हमारे साथ होता है कि हम अपने जो प्राइमरी डिस्प्ले उसे एक्सटेंड करना चाहते हैं या फिर अपने जो प्राइमरी डिस्प्ले उसको मिरर किसी दूसरी स्क्रीन में दिखाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमारे पास अगर आपके पास टेबलेट है या स्मार्टफोन है तो आप उसे एज ए सेकेंडरी डिस्प्ले काम में ले सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, आपके स्मार्टफोन में थोड़ी सी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, जैसे कि आपके पास एक वाईफाई राउटर होना चाहिए। अगर आपके पास वाईफाई नेटवर्क अवेलेबल नहीं है तो आप उसे एज ए USB के जरिए भी उसे कनेक्ट कर सकते हैं, मगर अगर आप उसे वायरलेस बनाना चाहते हैं तो आप इसके लिए वायरलेस राउटर होना जरूरी है, या अपने फोन के होस्टपोर्ट से भी आप ये काम कर सकते हैं। अगर आप इथरनेट केबल से ये करना चाहते हैं तो आप इन तीनों ही मेथड से ये कर सकते हैं। इन तीनों का मेथड सेम होगा, आपको सिर्फ सेम नेटवर्क से कनेक्ट करना होगा, यानी कि आपकी जो स्मार्टफोन है वो जिसे आप सेकेंडरी डिस्प्ले बनाना चाहते हैं और जो आपके प्राइमरी PC है उसे, अब इन दोनों को आपको सेम नेटवर्क से कनेक्ट करना होगा। जिससे आप इन्हें अपने सेम नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं तो आपको इन दोनों में एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा जिसको है स्पेस डेस्क। जैसे आप ये URL अपने PC के सर्च ब्राउजर में लिखते हैं तो आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होती है। इस वेबसाइट में आप जाकर स्पेस डेस्क का ये ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं और ये सेम ड्राइवर आपको अपने मोबाइल में भी डाउनलोड करना होगा। जैसे आप ये मोबाइल में और अपने PC में सेम ड्राइवर इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको इसमें जैसे ही मोबाइल में इसको ओपन करते हैं स्पेस डेस्क को, तो आपके सामने जो सेम नेटवर्क से कनेक्टेड जो डिस्प्ले है जिसमें ये ड्राइवर इंस्टॉल्ड है उसका आपको नीचे नाम दिखा देगा। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पर जैसे मैंने इसको ओपन किया इसमें यहाँ पर नीचे जो मैं PC है प्राइमरी उसका नाम आ गया निशांत भारत। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं जो आपका एंड्रॉइड स्मार्टफोन है वो एज ए डिस्प्ले सेकेंड डिस्प्ले आपका जो बन जाएगा। अब इसमें आप कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे आप एक डेडिकेटेड डिस्प्ले में करते हैं सेम वही आप इसमें सारे काम कर सकते हैं, वैसे आप एज ए सेकेंडरी डिस्प्ले काम में ले सकते हैं। और साथ में इसका कई वो फायदे भी, जैसे आप इसे एज ए टच डिस्प्ले भी काम में ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका विंडोज आपको टच में काम में लेना है तो आप इसमें इसको सेकेंडरी डिस्प्ले बनाइए, जो सेकेंडरी डिस्प्ले इसके अंदर आप उसको एज ए टच कंट्रोल के हिसाब से आप इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ में आप इसमें स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो भी सेट कर सकते हैं कि आपके जो एंड्रॉइड स्मार्टफोन में इतनी स्क्रीन रेजोल्यूशन है उसके हिसाब से आपको इतनी रेजोल्यूशन चाहिए। आप इसमें FPS भी कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको पता चल चुका होगा कि आप अपने ओल्ड स्मार्टफोन को एज ए सेकेंडरी डिस्प्ले कैसे काम में ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।